गुड मॉर्निंग वंस अगेन. वी आर हियर इन जयपुर, द पिंक सिटी. लेकिन पिंक सिटी के पिंक हिस्से में नहीं है हम अभी, हाईवे के पास है. जितना हाईवे के नज़दीक होटल मिल सके उतना ले लिया है. राइट नाउ द टाइम इज़ 9 o'clock इन द मॉर्निंग. और आज की डेट क्या है यार, राइड पे कभी भी निकलूँ ना डेट भूल जाता हूँ मैं. 10, 11, 12, 13, 13th of December. और बाहर का जो माहौल है ना, कल रात का बारिश का माहौल अभी तक कम नहीं हुआ है. बारिश तो नहीं हो रही अभी, लेकिन पूरा फॉगी फॉगी है. एंड द फॉरकास्ट फॉर टुडे इज दोपहर को 1 बजे से 5 बजे तक दिल्ली में थंडरस्टॉर्म होने वाला है. अभी वो थंडरस्टॉर्म हमारे लिए क्या लेके आता है वो पता नहीं. बाय द वे, अभी अभी जो पता चला है, आज शाम को जो खास शख्सियत से होने वाली मीटिंग है वो कन्फर्म हो चुकी है. उसके अलावा अभी हम जाते जाते एक और ऐसे बंदे से मिलने वाले हैं जिसको मिलके आप तो ज़रूर खुश होंगे, क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए. फटाफट पैकिंग करते, फटाफट गेट सेट गो. ऑल सेट, रेडी एंड गियर्ड अप. कुछ बचा तो नहीं है? कुछ नहीं, चलो सिर्फ जाके अभी सामान बांधना है. सर रेडी फॉर नेक्स्ट डे. बाय द वे, अभी किसी किसको मिलना है ये मैंने बताया नहीं है. किसको मिलना है बताया नहीं है, लेकिन प्लीज अ रिकॉर्ड अंदर. किस तरह के रिकॉर्ड से जल्दी देखने मिलेंगे? देखने मिलने चाहिए, आपके ऊपर है सब. देखने नहीं मिले ना तो देखो फिर. यहाँ पे जिनको मिलने आए ना उनको तो मिलेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये कार पार्किंग देख लो. ये वॉशिंग सेंटर नहीं है, इट्स अ पार्किंग. एनीवेज, हेलो सर, मिलिए उमेश सर से. उमेश कुमार जांगिड. इनका पूरा इंट्रोडक्शन एक साथ नहीं दूंगा, अभी यहाँ पे इनके वर्कशॉप पे है, यहाँ पे इनका एक ही इंट्रोडक्शन मिलेगा जो है ही इज़ अ बाइक कस्टमाइजर. जो विंटेज बाइक्स है इनका रिस्टोरेशन करते हैं ये. अभी उन्होंने जो फोटोज़ दिखा है, फोटोज़ में एक थी 58 मॉडल, राइट, 58 की BMW शाफ्ट ड्रिवन, देन एक थी 52 की BSA 1952 की, और अभी उनका काम चल रहा है 1954 की BSA पे. चलो देखते हैं, बाइक देख लेते हैं. उमेश जी के वर्कशॉप से निकल के अभी हम आए उनके घर पे. घर मतलब और एक वर्कशॉप है. वो सब दिखाने से पहले ये बताइए, मिनिएचर का शौक कैसे आपको चढ़ा, मतलब क्या इंस्पिरेशन है, क्यों ये सब चालू? बचपन से कुछ अलग करो ये शौक था, मैंने ये मिनिएचर आर्ट करता था ना, छोटे छोटे टूल्स वगैरह जो मिनिएचर में जो भी आता है, मतलब बड़े से छोटा रूप बनाना. ओके, ओरिजिनल टीम है वो बनाया. आप अकेले ही काम कर देते हो सर? एक एक करके बताइए क्या क्या चीज़ है. वर्ल्ड कप ट्रॉफी माचिस की तीली पे, माचिस की तीली पे वर्ल्ड कप ट्रॉफी. नहीं वो बाद में देखते हैं, अभी सब पहले लिस्ट देख लेते हैं. इससे बड़ा बनाया हुआ है थोड़ा सा. ओके, होटल में बैट बॉल स्टम्प ट्रॉफी पूरा अंदर होटल के अंदर फिटिंग. ओके, होटल में चारपाई, उसे सो सकते हैं क्या? हुक्का, मिनी हुक्का. अरे बाप रे, ये मतलब टकीला शॉट हो गया, हुक्का का टकीला शॉट. टूल्स बनाए हुए हैं, सबसे छोटे टूल्स मेरे. एक मिनट, आप देख सकते हैं. अरे बाप रे, ये मिनिएचर वर्ल्ड कप पे थोड़ी नज़दीक से नज़र डालते हैं. तो ये बना हुआ है एक मैच स्टिक पे. अमेजिंग, उसके टिप पे रखा हुआ है ना, ब्रास से बना है. ओके, मतलब उमेश जी का
सब ट्रॉफीज का कलेक्शन खत्म नहीं हो रहा है। अभी वर्कशॉप से ऊपर घर में आ गए, घर में और एक पूरा रैक भरा हुआ है, मतलब इतने ट्रॉफीज तो किसी एक शॉप में भी नहीं मिलते एक साथ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करें, आपके डिस्ट्रिक्ट में रोटेरियंस को मोटिवेट करें, इवन अ पर्सन कैन डोनेट 99 रुपीस ऑन अ डोनेशन लिंक और द साइट व्हिच विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन। और ये सारा फंड्स हमारे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू मार्टिस फैमिलीज को भारत के वीर के साइट के थ्रू जाएगा। हम्बल रिक्वेस्ट है एक और, दैट प्लीज इस डोनेशन के लिए चर्चा जरूर करिए सबसे। वी आर नॉट आस्किंग मच फॉर द मार्टिस, मिनिमम 99 रुपीस, और आपको हम अपना साइट देते हैं, QR कोड देते हैं, उसके लिए आप जरूर कोशिश करिए। अगर एक आदमी ने सिर्फ एक एक रुपया दिया, 1 करोड़ लोग देंगे तो 1 करोड़ का मसला तो यही खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। पर ये लोगों को पता चलना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों को बोलने की, और हम उसको अगर कर सकते हैं, वी कैन स्प्रेड इन अवर सोशल ग्रुप्स, वी कैन स्प्रेड इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। आई एम श्योर दैट 1 पर्सन विल बी द मेंबर ऑफ एटलीस्ट 4 or 5 व्हाट्सएप ग्रुप, हैविंग 100 पीपल इन दैट ग्रुप। एंड यू स्प्रेड देयर 1 to 4 जो होगा उससे इस कॉज के लिए, आई एम श्योर दैट the amount which will be collected to help these people will be enormous. Nobody could have done it. Six AM on 14th of December 2019 and we are here in Faridabad. अभी यहाँ से दिल्ली में जाना है और किसी से मिलना है। अभी और सस्पेंस नहीं, वी हैव गॉट एन अपॉइंटमेंट टू मीट ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। अभी 8 बजे उनसे मिलना है, उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। स्मूथ एज ऑलवेज 200 किलोमीटर, यमुना एक्सप्रेस वे 180 किलोमीटर है कुछ तो, दैट डिस्टेंस वी कवर्ड इन 2 hours and 40 minutes, और उसके बीच में ब्रेकफास्ट भी किया। आज यमुना एक्सप्रेस वे सच में इंजॉय किया मैंने। आई वॉज ऑलमोस्ट फॉर द 80% ऑफ द डिस्टेंस आई वॉज राइडिंग एट 140 km/h। आई नो लीगल नहीं है, स्टिल मज़ा आया। गाड़ी ने पेट्रोल भी उतना ही खाया, 20 का एवरेज दिया है। एनीवेज आगरा में और एक जगह पे जाना है, और एक प्लेस आपको दिखानी है, तो फट से लंच करते हैं और यहाँ से भागते हैं फटाफट। सो गाइस, एज आई सेड, वी विल बी विजिटिंग अ यूनिक प्लेस टुडे। दिस इज़ वेयर वी आर, इट्स द शिरोज हैंग आउट। एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस, दिस इज स्पेशल अबाउट इट। Let's walk in. Guys, I'm not going to explain anything about this place. जो paintings, जो artwork आपने देखा अभी, this is what they deserve and this is what they have in them, that talent. और वो express करने के लिए उनको मिली है ये जगह। इसको unfortunate बोले या अच्छी चीज़ बोले, but one thing that I can tell you, आगरा में ऑलमोस्ट हर साल मेरा आना होता है, कहीं ना कहीं हिमालयाज में राइड करता हूँ, वापसी में आना होता ही है, या तो जाते हो या आते हो। लास्ट टाइम आई विजिटेड ताजमहल वॉज इन 2013, बट
ये प्लेस आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं आगरा में आया हूँ यहाँ नहीं आया, बिकॉज दिस प्लेस इंस्पायर्स मी. और आज आई एम लकी टू हैव थ्री मोर पीपल ओवर हियर. दिस अमित विद मी, नीलेश सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, दिस इज मेहदी हसन. ही इज़ फ्रॉम ढाका ऑल द वे फ्रॉम बांग्लादेश. ही वॉज राइडिंग टू अमृतसर और अमृतसर से अभी वापस जाते वक्त हमें यमुना एक्सप्रेस वे पर मिले. एंड वी रिक्वेस्टेड हिम टू हैव लंच विद अस. सबसे पहले तो आपको पूछूंगा, हाउ यू फील अबाउट दिस प्लेस? दिस प्लेस इज एक्सट्रीमली ऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी. सो हैड यू हर्ड ऑफ दिस प्लेस और लाइक इज देयर सम अबाउट दिस प्लेस? फर्स्ट आई नो अबाउट दिस प्लेस फ्रॉम यू, सो आई एम फीलिंग वेरी गुड टू सी हियर. बट These are the places that we should visit because here. Because it yes. encourages them to yes, go yes. ahead and live. Sir, आप तो बहुत दिन से सोच रहे थे यहाँ आना है. बहुत दिन से. जब से इस प्लेस के बारे में पता है तभी से आना था और आज आगरा क्रॉस करने का मौका मिला. आई डोंट वॉन्ट टू मिस कमिंग ओवर हियर, तो आज इधर हूँ और जो इनके लिए कुछ अच्छा करता हूँ उसकी कोशिश रहेगी. Amit bhai, how's the vibe of this place? I am completely speechless. The amount of hope which I can see here, like I can only say this is the real Taj Mahal. Guys, believe me or not, you have to visit this place. I mean, the dreams have been shattered, but they have never given up. And it's not easy to to get up, you know, when you fall down. This is a beautiful place. I should visit every time I come to Agra. Thanks to Kundan especially for that. अपने लिए तो ये रूटीन है, आगरा में आएंगे तो यहाँ तो आना ही है, आपको भी आना है. बिकॉज योर प्रेजेंस, योर विजिट, दैट एनकरेजेस दिस गाइज, दिस गर्ल्स आई मुझ से. बिसाइड्स दैट देयर इज वन स्पेशल थिंग अबाउट दिस प्लेस, आई विल शो यू. दिस इज द मेन्यू कार्ड ऑफ शीरोज. If you see here, there are all the items listed, but there's no price tag. The entire menu card is pay as you wish. There's not much we can talk about such places. These places to experience karne ke liye hoti hai. These are the moments to live, and I'm proud to say I've lived it not once, many a times, and I'll keep doing it. इट्स लाइक जब भी थोड़ा सा इंस्पिरेशन का डोज चाहिए होता है ना तो यहाँ पे आके जाए. एनी वेज इट्स टाइम टू लीव फॉर कानपुर. बूस्टर डोज की ज़रूरत भी है अभी, इंस्पिरेशन की बहुत ज़रूरत है क्योंकि 5 बज रहे हैं अभी और हमें बस पास में ही जाना है. 300 किलोमीटर, सिर्फ 300. 5 घंटा बता रहे हैं. लेट्स सी, सिर्फ 300 आगरा से कानपुर. देखते हैं अभी कितने बजे पहुँचेंगे. भागना पड़ेगा अभी, अच्छा खासा भागना पड़ेगा. 9:30 द इवनिंग, वी हैव रीच्ड कानपुर और कानपुर में ये है हमारा स्वागत. गाइस हेलो हेलो, अभी तो स्वागत बाकी है, अभी अच्छा स्वागत बाकी है, हो जाए पहले तो रह गए ना. हाँ तो अच्छा ठीक है, स्वागत करने के लिए पहुंचे इतने लोग हैं, ये फ्री स्वागत है.